हेलो स्टूडेंट्स, डबल इंटीग्रल में अब तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो भी इंटीग्रल थे उनको डिस्कस किया, उनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, ऑर्डर चेंज करके वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर डबल इंटीग्रल दिया हुआ है तो उस केस में वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ साथ अगर कोई कार्तीय निर्देशांकों में कोई डबल इंटीग्रल दिया है तो उसे ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके मान कैसे ज्ञात करेंगे, कार्टेशियन टू पोलर कैसे चेंज करेंगे, ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो वन बाय वन, फर्स्ट हम ये ले रहे हैं, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लीजिए, मैं इंटीग्रल को आई नाम देता हूं, जीरो टू ए कॉस थीटा आर डी थीटा डी आर। सो सबसे पहले दिए गए डबल इंटीग्रल में ऑर्डर क्या रहेगा इंटीग्रेशन का, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे, आर की लिमिट्स रहेंगे जीरो टू ए कॉस थीटा, एंड देन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा की लिमिट रहेंगे जीरो टू पाई। सो लीजिए, सो फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को आर की लिमिट्स के अंदर में, आर स्क्वायर बाई टू व्हेन आर ए कॉस थीटा, सो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। सो ए स्क्वायर बाई फोर इंटीग्रेट करेंगे वन का थीटा इंटीग्रल प्लस कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू लिमिट जीरो टू पाई। सो ए स्क्वायर बाई फोर व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, सो पाई प्लस साइन टू पाई जीरो, सो ए जीरो, एंड लॉर लिमिट पर वैल्यू थीटा जीरो, सो जीरो एंड ये जीरो, सो लॉर लिमिट पर वैल्यू जीरो, सो ये वैल्यू है ए स्क्वायर पाई बाई फोर इसकी वैल्यू। सेकेंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, इस इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर मान ज्ञात करना है। स्पष्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए हम आपको लिखेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई आर साइन थीटा। इसके साथ साथ डीएक्स डीवाई, डीएक्स डीवाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक स्मॉल एलिमेंट, अगर वेरिएशन यहां से यहां तक स्मॉल वेरिएशन डेल्टा एक्स है और यहां से यहां तक स्मॉल वेरिएशन डेल्टा वाई है, तो एक स्मॉल लिमिटिंग पोजीशन में हम डीएक्स डीवाई इसके एरिया को लेंगे। सो एक वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में कंसिडर करें तो डीएक्स डीवाई उसके एरिया को इंडिकेट करता है। सो पोलर में हम इसे रिप्लेस करेंगे आर डी थीटा डी आर से पोलर।
सो डीएक्स डीवाई को रिप्लेस करेंगे आर डी थीटा डीआर से या आर डीआर डी थीटा से, और जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है देख सकते हैं, इसे आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट। सो अगर इस इंटीग्रल को हम आई नाम दें तो वाई आर साइन थीटा एंड ये हो गया आर एंड डीएक्स डीवाई ये आर डी थीटा डी आर। वाई आर साइन थीटा सो वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर एंड डीएक्स डीवाई आर डी थीटा डी आर। रीजन अभी हम बात करें आर रीजन क्या है, रीजन यहां से देख सकते हैं वाई की लिमिट है जीरो टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स की लिमिट है जीरो टू ए, सो एक्स जीरो टू एक्स ए एंड वाई जीरो टू वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप एक्शन रहेगा इस इंटीग्रेशन की लिमिट देखें। रीजन को ट्रेस करेंगे, अभी हम कार्टेशियन सिस्टम में ही रीजन को देखते हैं, देन इसके इक्वलेंट पोलर सिस्टम में क्या रहेगी वो देखें। एक्स इक्वल टू जीरो, ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सिंपल करेंगे ये है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अर्थात ए रेडियस का जीरो जीरो सेंटर वाला सर्किल। सो ये जीरो जीरो और ये डिस्टेंस ए, ये सर्किल। सो रीजन एक्चुअली ये है डोटेट, केवल डोटेट, कंप्लीट सर्किल नहीं। क्योंकि रीजन लाइन y इक्वल टू जीरो, लाइन x इक्वल टू जीरो, लाइन x इक्वल टू a एंड सर्किल से बाउंडेड है। सो रीजन ये है इंटीग्रेशन का। पोलर सिस्टम में हम ओरिजिन जीरो जीरो को पोल कहेंगे, ये पोल, ये इनिशियल लाइन, ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, पोलर में बात करें तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ये लाइन, ये लाइन पोलर में बात करें तो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन, कार्टेशियन में हम बोलेंगे वाई इक्वल टू जीरो लाइन, ये एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। पोलर में अगर कार्टेशियन में बात करें तो हम इसे वाई इक्वल टू जीरो, इसे एक्स इक्वल टू जीरो, और पोलर में हम इसे थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। अब बात करेंगे हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा। ये लीजिए, हम अगर इंटीग्रेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर रखते हैं तो स्पष्ट है थीटा इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रिप में हम रीजन को डिवाइड करेंगे, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप्स हमें दिखाई दे रही हैं दिए गए रीजन में, हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये एक स्ट्रिप है, इस पर थ्रूआउट थीटा कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है यहां से यहां तक। इस स्ट्रिप के लिए देख सकते हैं थीटा थ्रूआउट कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है यहां से यहां तक, अर्थात आर जीरो से आर सर्किल पर आर कितना, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर ए, सो आर जीरो टू आर ए, आर जीरो टू आर ए थ्रूआउट आर जीरो टू ए, सभी स्ट्रिप्स के लिए। जबकि किसी भी इंडिविजुअल स्ट्रिप को अगर हम देखें तो थीटा कांस्टेंट है, ध्यान दें विद रेस्पेक्ट टू आर को इंटीग्रेट करेंगे तो हम थीटा को कांस्टेंट रखेंगे। सो लिमिट्स
ये हो गया आर फोर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर, एंड आर की लिमिट जीरो टू आर ए। इस तरह की सभी स्लिट्स थीटा जीरो से थीटा पाई बाई टू के बीच है, सो थीटा की लिमिट जीरो से पाई बाई टू। और इस तरह से लिमिट्स आने के बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो जीरो टू पाई बाई टू फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा कॉन्स्टेंट, सो साइन स्क्वायर थीटा को इस सिंबल से बाहर लेंगे, लेकिन ध्यान देंगे इससे बाहर नहीं, ये सिंबल हम जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा थीटा का फंक्शन है, सो इसे इसके बाहर नहीं लेंगे और जीरो टू फाइव बाई टू इसे इंटीग्रेट करेंगे। आर फाइव अपॉन फाइव अपर लिमिट पर वैल्यू, सो ए फाइव अपॉन फाइव। सो ए ए फाइव अपॉन फाइव लिमिट जीरो से पाई बाई टू है, साइन कोस का फंक्शन हो तो हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी काम में लेंगे, सो ये गामा थ्री बाई टू गामा हाफ एंड ट्वाइस गामा टू। ध्यान दें साइन की जो भी पावर है टू, उसमें वन ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे, कोस यहां है नहीं, सो जीरो वन ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे अपॉन ट्वाइस गामा, इन दोनों का सम। सो ये ए फाइव अपॉन टेन फाइव इंटू टू गामा थ्री बाई टू हाफ अंडर रूट फाइव एंड गामा हाफ अंडर रूट फाइव एंड गामा टू वन। सो ये वैल्यू पाई ए रेज टू पावर फाइव अपॉन ट्वेंटी इसकी वैल्यू। थैंक यू।